तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी ज़्यादा मोबाइल देख रहा है, दीन नहीं सीख रहा है, नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में है कि बच्चे मोबाइल में इतना ज़्यादा आ चुके हैं, इतना ज़्यादा मोबाइल देखते हैं कि वो दीन की राह पर जा ही नहीं रहे हैं, नमाजों को अदा कर ही नहीं रहे हैं। और अगर हम अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देते हैं तो इसके गुनहगार कौन होते हैं? वालदैन होते हैं, क्योंकि बच्चे का पहला मदरसा उसकी वालिदा होती है। अगर बच्चे मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो इसका जिम्मेदार उसकी वालिदा होगी। तो क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में, क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे वक्त में ये करना चाहिए, अगर हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उसको बताएंगे या कहेंगे कि ऐसा कर, बच्चा कभी नहीं करेगा। ये जान लेना, बच्चा कभी भी नहीं करेगा। अगर वही काम हम खुद करेंगे तो बच्चा देखते देखते वही काम सीख जाता है। जैसे कि अगर वालिदा मोबाइल चलाती है और वालिदा सुबह से मोबाइल देखती है तो बच्चा भी वही करेगा, और अगर वालिदा इबादत तिलावत करती है तो देखते देखते बच्चा भी वही सीखेगा, क्योंकि बच्चे का पहला मदरसा तो वालिदा ही होती है। जो माँ करेगी बच्चा उसे ही देख कर करता है। तो सबसे पहले तो अम्मा को चाहिए कि अपने बच्चे को अगर दीन की राह पर चलाना चाहते हैं तो पहले खुद ही नमाजों को अदा करें। और आप ये जान लें कि बस कुछ ही दिनों में आप खुद ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप ये जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि घर की जो औरतें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनको देखते हैं, तो कोशिश करें कि पहले वो उनको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। खुद ही नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, खुद ही तिलावत करनी पड़ेगी, खुद ही दीन सीखना पड़ेगा। अगर बच्चे ने कुछ दीन का सवाल कर दिया, माँ बाप को उसका जवाब ही नहीं पता, तो वो कैसे देंगे? तो इसलिए पहले खुद ही वालिदैन दीन को सीखें, फिर उसके बाद उसका बच्चा उसको वैसे ही तरबियत दें। तो कोशिश बस इतना करें कि आप खुद ही करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।